हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स आज हम क्लास दस के गणित का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति से बनने वाले महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे फ्रेंड्स ये वे प्रश्न हैं जो आपके पिछले साल के पेपर 2023 2022 2020 2019, 2018 में ये सभी प्रश्न कई बार रिपीट हो चुके हैं फ्रेंड्स 2024 में होने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से 100 परसेंटेज आपके बोर्ड के, के एग्ज़ाम में प्रश्न बनने वाले हैं तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे आपको निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड देखिए आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें तो फ्रेंड्स देखिए आपके सामने पहले नंबर का सवाल है देखिए आपका पहला सवाल है कि बिंदुओं पाँच का म जीरो और माइनस बारह का जीरो के बीच की दूरी है ठीक है फ्रेंड्स इस प्रकार से बहुविकल्पी प्रश्न हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम में बनते हैं देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार के सवाल को आप कैसे हल करेंगे और कितना सिंपल तरीक़ा से हल करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पूछा है कि दूरी पूछा है तो फ्रेंड्स देखिए आपको पहले विस्तार रूप से समझाते हैं कि दूरी का फार्मूला क्या होता है देखिए दूरी का फार्मूला देखेंगे आप तो रूट में क्या होता है यक्स वन माइनस एक टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर ठीक है अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करना है इसको रख के पहले हल कीजिए देखिए यहाँ पे पहले होता है यक्स वन ये होगा वाई वन ये होगा यक्स टू ये होगा वाई टू यहाँ पर मान रख लेते हैं एक वन का मान कितना है पाँच ठीक रह, है ये माइनस है ये टू का मान कितना है माइनस बारह तो माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस बारह हो जाए इसको होल स्क्वायर कर लीजिए प्लस वाई वन का मान जीरो वाई टू का मान जीरो ठीक है स्क्वायर तो स्क्वायर कर लीजिए देखिए बारह और पाँच कितना तो सत्रह सत्रह का स्क्वायर कर लीजिए और जीरो करेंगे तो इसका कोई मतलब है नहीं देखिए स्क्वायर अगर रूट निकाला रहता है तो सत्रह का स्क्वायर का मतलब होता है कि देखिए सत्रह गुड़े सत्रह इसका जोड़ा बना तो कितना हो जाएगा सत्रह हो जाएगा तो इसका क्या होगा आपका कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना आया आपका सत्रह ही देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो आपका डी वाला ऑप्शन क्या है करेक्ट है तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी वाला ठीक है अब चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं तो देखिए अगले नंबर का सवाल है ये देखिए प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है ठीक है यदि आप पेपर देखे होंगे तो आप उस इसमें आप सवाल इस सवाल को देखे होंगे ठीक है देखिए क्या है कि चित्र में बिंदु पी के निर्देशांक होंगे देखिए आपको एक चित्र दिया है यहाँ पे इसके चार ऑप्शन है ठीक है देखिए ये एक अच्छे है ये वाई अच्छा यहाँ पे पी का निर्देशांक पूछ रहा है देखिए फ्रेंड्स आपको जब भी निर्देशांक लिखना होता है तो पहले क्या लिखा था? पहले यक्स का मान लिखा जाता है फिर उसके बाद वाई का तो यहाँ पर निर्देशांक लिखेंगे यक्स का मान कितना है पहले दो है फिर वाई का मान कितना माइनस तीन है तो ये हो जाएगा कितना होगा दो का माइनस यहां पे देखिए कितना है फ्रेंड्स दो काम माइनस तीन होगा तो यहां पे देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा दो का माइनस तीन होगा ठीक है चलिए अगले नंबर का सवाल को देखते हैं अगला नंबर का सवाल आपका है देखिए सवाल क्या है आपका कि त्रिभुज ए बी सी में ए तीन का मा तीन ए का मा जीरो बी का है जीरो का मा तीन बी सी का है कि ए का दो बी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है फ्रेंड्स ये इसका ऑप्शन है देखिए अब इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे ठीक है देखिए इस सवाल को लगाने के लिए आपको पहले फार्मूला पता होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल यदि आपको क्षेत्रफल निकालना है तो फार्मूला पता होना चाहिए देखिए क्या होता है एक बटा के दो यहाँ पे यक्स वन यहाँ पे वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस यहाँ पे एक टू यहाँ पर होगा वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस यहाँ पे आपका एक टू हुआ अब यहाँ पे होगा यक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू ये होता है इसका फार्मूला अब यहाँ पे मान रख देखिए कैसे रखेंगे पहला मान होता है एक वन ये वाई वन ये एक टू ये वाई टू यक्स थ्री वाई थ्री ठीक है अब मान रख लेते हैं देखिए यहाँ पे मान रखेंगे देखिए एक बटक दू होगा यक्स वन का मान तीन ए वाई टू का मान कितना है तीन बी माइनस टू बी ठीक है यक्स टू का मान कितना है फ्रेंड्स जीरो है वाई थ्री का मान कितना है आपका टू बी माइनस वाई वन का मान कितना है जीरो प्लस यक्स टू का मान कितना है फ्रेंड्स यक्स थ्री का मान कितना है ए है तो ए रख लीजिए वाई वन का मान देखिए फ्रेंड्स कितना है जीरो माइनस वाई टू का मान तीन बी थे तीन बी कर लीजिए ठीक है अब इसी को हल करना है देखिए यहाँ पे होगा एक बटा के दो यहाँ पे तीन ए गुड़े तीन बी में से टू बी घटेगा तो कितना बचेगा सिर्फ बी बचेगा प्लस देखिए जब कोशे के बाहर जीरो रहता है तो पूरा मान जीरो हो जाएगा तो इसको छोड़ देंगे प्लस इसका गुड़ा करेंगे तो तीन ए का करेंगे तो कितना हो जाएगा तीन ए बी हो जाएगा प्लस का माइनस में गुड़ा करेंगे तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे देखिए एक बटा के दो गुड़े तीन ए ये कितना हो जाए तीन ए बी कितना होगा तीन ए बी माइनस तीन ए बी ठीक है यहाँ पे होगा एक बट अगर दो गुड़े तीन ए बी तीन ए बी घटाएंगे तो कितना होगा जीरो होगा और जीरो का एक बट दो में गुड़ा करेंगे कितना हो जाएगा जीरो चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि जीरो दिया है कि नहीं जब फ्रेंड्स आप ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर जीरो दिया है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा डी वाला ऑप्शन आप आपका करेक्ट होगा तो इस प्रकार से इस सवाल को लगाना था अब चलिए फ्रेंड्स आपके सामने अगला नंबर का सवाल है चौथा नंबर का इस सवाल को भी आप देखिए देखिए क्या है चौथा नंबर का सवाल कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष अब दिया है जीरो का मा जीरो जीरो का माँ दो दो कमा जीरो है होगा यानी कि यहाँ पे आपसा इसमें से कौन सा क्षेत्रफल इसका होगा ठीक है आपको क्षेत्रफल निकालना तीन बिंदु दिया है देखिए फ्रेंड्स अभी आपको फार्मूला बताए हैं एक बार और लिख लेते हैं जिससे आपको फार्मूला इसी वीडियो में याद हो जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए क्या फार्मूला है कि एक बटा के दो यहाँ से होगा यक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस यक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस यक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू अब क्रम से इस बिंदु का नाम लिख देखिए एक वन वाई वन एक टू वाई टू यक्स थ्री वाई थ्री ठीक है अब यहाँ रख के हल कर लीजिए देखिए एक मिनट में आ जाएगा एक बटा के दो वाई वन का मान कितना है फ्रेंड्स नहीं यहाँ पे देखिए पहले एक वन का मान कितना है Y2 जीरो वाई टू का मान कितना है वाई टू का मान दो माइनस जीरो ठीक है प्लस यक्स टू का मान कितना है फ्रेंस जीरो है वाई थ्री का मान कितना है जीरो माइनस वाई वन का मान कितना है जीरो यक्स थ्री का मान कितना है फ्रेंड्स? यक्स थ्री का मान दो है वाई वन का मान कितना है जीरो माइनस वाई टू का मान कितना है दो ठीक है अब देखिए फ्रेंड्स अभी आपको समझाएं जब कोष्टक के बाद यहाँ जीरो रहेगा तो इस पूरा मान जीरो होगा ये भी पूरा मान जीरो होगा तो देखिए यहाँ पे एक बटक दू गुड़े देखिए यहाँ दू का दू में करेंगे कितना दो दिन दू का चार प्लस का माइनस में करेंगे माइनस देखिए दो एक दू, दू, दू के अंदर दो दिन का चार तो माइनस दूगा देखिए फ्रेंड्स आपको पता होगा कि कभी क्षेत्रफल या दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता है तो इस प्रकार इसका जवाब क्या होगा दो कितना हो जाएगा दो वर्ग इकाई तो चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं जब फ्रेंड्स ऑप्शन में देखेंगे तो आपका बी वाला क्या हो जाएगा करेक्ट होगा ठीक है समझ में आ गया होगा चलिए अगले नंबर का सवाल को देखते हैं देखिए आपका अगला नंबर का सवाल है पाँचवा नंबर का ध्यान से देखिए कि इस सवाल को कैसे लगाना है जो बताएं आपको उसी प्रकार से लगाना इस सवाल को भी देखिए त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल होगा आपका ऑप्शन दिया है सोलह वर्ग इकाई होगा बीस वर्ग इकाई होगा चौबीस वर्ग इकाई होगा छत्तीस वर्ग इकाई ये त्रिभुज बनाया है आपका ना यहाँ पे बताना है क्या होगा देखिए फ्रेंड्स इस सवाल को भी लगाने के लिए आपको क्या करना है देखिए एकदम आसानी पूर्वक वही त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फार्मूला बार बार लिखिए फ्रेंड्स जिससे आपको क्या हो जाए फार्मूला एकदम याद हो जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है एक बटा के दो कोष्ट में यक्सवन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस यक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक थ्री वाई वन माइनस वाई टू ठीक है अब यहाँ पे देखिए मान रखना है तो पहले यहाँ पे बिंदु का नाम मान लीजिए देखिए एक वन वाई वन एक टू वाई टू यक्स थ्री वाई थ्री ठीक है अब यहाँ पे मान रखिए देखिए एक बटा के दो यक्स वन का मान क्या है जीरो कोष्ट में वाई टू का मान कितना है फ्रेंड्स जीरो माइनस यक्स टू का मान आपका है आठ वाई थ्री का मान है छ माइनस वाई वन का मान कितना है जीरो यक्स थ्री का मान कितना है फ्रेंड्स यक्स थ्री का मान जीरो वाई वन का मान कितना है फ्रेंड्स जीरो माइनस जीरो ठीक है अब इसको हल कर लीजिए बस देखिए एक बटा के दो अभी फ्रेंस बताएगा यहाँ पर क्या हो जाए इसका मान जीरो होगा इसको देख लीजिए अड़छके अड़तालीस हो जाएगा ठीक है और ये जीरो है तो क्या हो जाए जीरो हो जाएगा देखिए एक बटा के दो कूड़ा कितना अड़तालीस कितने बार में चौबीस बार में तो कितना हो जाएगा चौबीस वर्ग इकाई होगा कितना होगा चौबीस वर्ग इकाई चलिए ऑप्शन को देखिए तो ऑप्शन जब देख रहे हैं तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि चौबीस वर्ग इकाई आएगा ठीक है समझ में आ गया होगा अब चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं देखिए फ्रेंड्स आपका छठवा नंबर का सवाल है कि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष जीरो का मत जीरो तीन का मत जीरो माइनस तीन का मत जीरो हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा इसका भी निकालना है क्षेत्रफल देखिए फिर वो वही फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर देखिए एक बट दोस वन वाई टू माइनस वाई थ्री एक टू वाई थ्री माइनस वाई, वाई वन प्लस यक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू इसको बार बार लिखेंगे फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो में सभी फार्मूला याद हो जाएंगे देखिए यक्स वन है वाई वन है यक्स टू है वाई टू है यक्स थ्री है वाई थ्री है एक बटा के दो देखिए यक्स वन का मान जीरो है ये जब जीरो है तो पूरा मान क्या हो जाएगा जीरो होगा ठीक है मान रख के भी हल कर सकते हैं इस तरह भी यहाँ पे देखिए यक्स टू का मान क्या है तीन है तो यहाँ पे चलिए रखते इसका मान तो जीरो हो जाएगा ठीक है डायरेक्ट जीरो रख दीजिए यक्स टू का मान कितना है तीन वाई थ्री का मान कितना है फ्रेंड्स जीरो माइनस वाई वन का मान जीरो यक्स थ्री का मान कितना है फ्रेंड्स माइनस तीन वाई वन का मान जीरो माइनस वाई टू का मान जीरो देखिए फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा एक बटा दो ये भी जीरो ये भी जीरो आ जाएगा ये भी जीरो, ये भी जीरो तो कुल मिला के कितना हो जाएगा जीरो कितना आंसर आएगा इसका जीरो इस प्रश्न का सही जवाब C वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा देखिए फ्रेंड्स कितना सिंपल है यही बहुविकल्पी में फ्रेंड्स आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में बार बार प्रश्न पूछते हैं ठीक है अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बिंदु जीरो का पाँच और माइनस पाँच का जीरो के बीच की दूरी होगी ठीक है अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये एक वन का मान है ये वाई वन ये एक टू का मान ये वाई टू का मान अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है अभी आपको बताएँ इस पर सवाल क्या होता है देखिए जब देखेंगे तो यहाँ पर एक वन माइनस यक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर यहाँ पे मान रख लीजिए देखिए एक वन का मान जीरो माइनस यक्स टू माँनस माँनस का मान देखिए माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस पाँच का स्क्वायर प्लस वाई वन का मान पाँच माइनस जीरो का स्क्वायर यहाँ देखिए पाँच का स्क्वायर करेंगे पचास पच्चीस यहाँ से पाँच का करेंगे पचास पच्चीस अब देखिए कितना हो जाएगा पच्चीस पच्चीस पचास अब इसका निकालेंगे एलसीएम तो कितना हो जाएगा पाँच करोड़ी में दो आएगा कितना आएगा पाँच कराड़ी में दो आ जाएगा चलिए ऑप्शन देखिए कौन सा सही है बी वाला ऑप्शन आप आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स किसी भी प्रश्न में आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको उसको आंसर जरूर देंगे ठीक है देखिए आठवां नंबर का जो सवाल है इसको देखिए कैसे लगाएंगे बिंदु पी जो दिया है मैंने छ कि मूल बिंदु से दूरी किससे पूछा है मूल बिंदु से देखिए इसका कैसे लगाएंगे ये यक्स वन है ये वाई वन मूल बिंदु से दूरी पूछता है फ्रेंड्स तो मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला डायरेक्ट ये होता है यक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर ठीक है यही फार्मूला होता है देखिए माइनस का स्क्वायर आठ का स्क्वायर देखिए कितना हो छा चा के छत्तीस और इसका करेंगे चौसठ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा सौ हो जाएगा सौ का वर्गमूल दस, तो कितना आया फ्रेंड्स? इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा दस देखिए इसका सही जवाब कौन सा होगा सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं अगला नंबर का सवाल है नौवा नंबर का यदि बिंदु ए का दिया है ए का माधु जीरो ओ दिया है यहाँ ओ जीरो का मा जीरो ए कमा बी तो संरेख है तो बताना है इसमें संबंध ए और बी के बीच में संबंध देखिए फ्रेंड्स जैसे त्रिभुज का फार्मूला होता है हो, होता है उसी तरह संरेख का फार्मूला है क्या है देखिए यक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री यक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस यक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू और इस जब सनरेख रहता है ना तो इसको काब रखते हैं इसका मान जीरो के बराबर दिखाते हैं किसके बराबर जीरो के अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये यक्स वन है ये वाई वन है यास टू है या वाई टू है यक्स थ्री वाई थ्री बस मान रख लीजिए यक्स वन का मान एक वाई टू का मान कितना वाई टू का मान कितना है जीरो माइनस वाई थ्री का मान कितना है बी एक टू का मान कितना है फ्रेंड्स जीरो वाई थ्री का मान है बी माइनस वाई वन का मान दो प्लस एक्स थ्री का मान कितना है फ्रेंड्स ए वाई वन का मान दो माइनस वाई टू का मान कितना है फ्रेंड्स जीरो ठीक है अब इसी को हल कर लीजिए देखिए एक का बी में करेंगे तो माइनस बी होगा ठीक है और यहाँ पे देखिए जब जीरो रहता है तो पूरा मान क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा टू ए हो जाएगा बराबर जीरो हो जाएगा ठीक है अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे कि बी को इधर पाचान तक करें तो टू ए बराबर कितना हो जाएगा बी कितना होगा टू ए बराबर बी देखिए यार टू ए बराबर बी दिया है तो देखिए फ्रेंड्स जब देखेंगे टू ए बराबर बी और यही आपका आया है टू ए बराबर बी तो कौन सा ऑप्शन सही होगा सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा ठीक है इस प्रकार से इस सवाल को लगाना है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं अगला नंबर का सवाल है यहाँ पर देखिए कि बिंदु तीन का व चार की वाई अक्ष से दूरी होगी ठीक है अब देखिए इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे देखिए फ्रेंड्स एक कंसेप्ट याद रखिएगा और आप लोगों को बताए भी बताए भी होंगे कि जब वाई अक्ष से दूरी पूछता है दूरी तो उस समय आपको यक्ष का मान बताना ठीक है और जब यही यक्स अच्छे से दूरी पूछेगा तो उस समय आपको वाई का मान बताना है यहाँ पे सवाल में देखिए कि यहाँ पे देखिए ये का मान होता है ये वाई का ये सभी आप सभी को पता है यहाँ पूछ रहा है वाई अच्छे से दूरी होगी तो जब वाई अच्छे से पूछता है तो किसका मान बताते यक्स का यहाँ यक्स का मान कितना है आपका तीन तो इसमें ऑप्शन में देखिए कौन सा सही है बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है समझ में आ गया होगा देखिए अगला नंबर का सवाल ग्यारह नंबर का कि बिंदु माइनस चार का मा पाँच की यक्ष अच्छ से दूरी होगी अब यहाँ पे क्या पूछा है फ्रेंड्स यक्ष अच्छ से देखिए यक्ष का मान होता है ये वाई का मान होता है तो फ्रेंड्स जब यक्ष अच्छ से दूरी पूछता है तो उस समय किसका मान बताते हैं वाई का तो वाई का मान कितना यहाँ पे है पाँच यहाँ पे देखिए ऑप्शन में पाँच देख लीजिए तो सी वाला ऑप्शन आप आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पे निर्देशांक निर्देशांक ज्यामिति संबद्ध ग्यारह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बताएं इस प्रश्नों का आप एक दो बार जरूर देख लीजिएगा और इसको हल भी अच्छे से कर लीजिएगा जिससे आप बोर्ड के एग्ज़ाम में आपसे एक नंबर का भी सवाल गलती ना हो तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब करें